अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, मैं अब वॉक करने जा रही हूँ बाहर, और मैंने कहा आप लोगों से सलाम दुआ कर लूँ और वॉक करके आके फिर आपको बहुत मज़े का व्लॉग आज शेयर करूँगी आपके साथ। ठीक है जनाब, आई एम बैक फ्रॉम वॉक और मैंने वॉक कर ली है और अब मुझे बहुत प्यास लग रही है और अब मैंने पानी में शहद डाल के पीना है। चलिए आए। शहद के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि ये कुदरत का एक अनमोल तोहफा है जिसकी इम्पोर्टेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता। मेरे हस्बैंड को खालिस शहद, खालिस दूध और इस तरह की देसी और खालिस चीज़ें खरीदने का बहुत शौक है और खालिस शहद देखकर तो उनसे रहा ही नहीं जाता। आज की वीडियो में मैं आपको खालिस शहद खरीदने की ख़रीदारी का सारा प्रोसीजर दिखाऊंगी और आपको शहद की मक्खियों के छत्ते से शहद निकालने का तरीका भी बताऊंगी, बड़ी मक्खी का भी और छोटी मक्खी का भी। बट अब आप लोग सारा ये प्रोसीजर देखिएगा और आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से ये शहद खालिस लग रहा है या नहीं। शहद चूंकि हमारी सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल है इसलिए इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और इसका सबसे हेल्दी इस्तेमाल पानी में मिला के पीना है, जो कि आपके वेट लॉस के लिए भी काम आता है और हेल्थ को भी बेहतर करता है और आपकी स्किन को भी ग्लोइंग करता है। हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड बेशुमार रेमेडीज़ हैं जिनमें शहद इस्तेमाल होता है, इसलिए घर में शहद का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अलमिया ये है कि आज के दौर में खालिस शहद मिलना किसी मौजज़े से कम नहीं। हेलो एवरीवन, वी आर इन द किचन नाउ। बच्चे उठ चुके हैं और मैंने उनके कपड़े भी प्रेस कर दिए हैं, दे आर जस्ट गोइंग टू बी रेडी और मैं अब ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ। सो बच्चों को भेजने के बाद आगे की एक्टिविटीज दिखाऊंगी आपको। सो इट्स ब्रेकफास्ट टाइम नाउ। अभी हमें यकीन नहीं है कि शहद खालिस भी है या नहीं, लेकिन इसके रेट ज़रूर खालिस है इसका अंदाज़ा हमें हो गया है। देखा आपने, शहद को पहचानना और उसको ख़रीदना भी एक आर्ट है, क्योंकि यहाँ पे लगता है दाव खरीदने वाले का भी और बेचने वाले का भी। शहद देखने में तो खालिस लग रहा है, ये जो स्टिक के साथ लगा हुआ है ये छोटी मक्खी का शहद है, ये देखिए, जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। और आगे जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो आपको पता है कि शहद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी को शहद की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शहद एक कुदरती एंटीबायोटिक है और इसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी में जितनी भी बीमारियां हैं उनको शिफा मिलती है। अगर हम किसी एलोपैथिक मेडिसिन एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं तो बीमारियों के जरासीमों के साथ साथ इम्यून सिस्टम के जरासीमों को भी मार देते हैं एंटीबायोटिक। शहद वाहिद एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो सिर्फ बीमारियों के जरासीमों पर ही हमलावर होता है और बॉडी के इम्यून सिस्टम को मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर देता है। एक बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि शहद को जब भी हमें स्टोर करना हो तो शीशे की बॉटल्स में ही स्टोर करना चाहिए, क्योंकि इसमें शहद के ख़राब होने की रेशियो बहुत कम होती है। खालिस शहद तो वैसे कहते हैं कि ख़राब नहीं होता, जितना मर्जी अच्छा पड़ा रहे, बहुत सालों के भी पड़ा रहने के बाद भी खालिस शहद जो ख़राब नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको जब कभी स्टोर करना हो तो शीशे की बॉटल ही प्रेफर करें। एक और बात का ख़ास ख्याल रखें कि शहद जो है उसमें पानी बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, मींस कि आप उसमें जो भी चम्मच इस्तेमाल करें तो उस पर भी पानी का ड्रॉप भी ना लगा हो, क्योंकि पानी या नमी अगर शहद में ऐड हो जाए तो शहद ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये देखिए जनाब, ये है बी हाइव, जिसे उर्दू ज़ुबान में छल्ली कहा जाता है, जिसमें शहद की मक्खियाँ शहद भरती हैं। अब आप देख रहे हैं ये शहद निकालने का प्रोसेस। मलमल के कपड़े को हमने शीशे की बोतल पे रख के देन उसके अंदर सारा शहद पोर किया और जो भी छलियाँ हैं उन्हें भी
ब्रेक करके उनको प्रेस करके उसमें से शहद निकाला जाता है। और आप ये सारा ऑर्गेनिक प्रोसेस देख रहे हैं कि कैसे शहद की मक्खियों के छत्ते से शहद निकाला जाता है। एंड बिलीव मी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस प्रोसेस एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट। वेल, आपको ये बता दूँ कि इन्होंने अपने हैंड्स अच्छी तरह से पहले वॉश किए और देन शहद निकालने का प्रोसेस स्टार्ट किया, ताकि इस चीज़ की तसल्ली रहे कि एवरीथिंग इज़ ट्रीटेड हाइजेनिकली। वेल, देखते ही देखते वैक्स को अच्छी तरह से निचोड़ा गया और उसमें से शहद को बेहतरीन तरीके से निकाला गया कि कहीं कोई शहद वैक्स में बचा ना रह जाए। तो जनाब, बड़ी मक्खी का शहद जो है वो अच्छी तरह से निकाल लिया गया है और ये देखिए अब ये बॉटल में डाला जा रहा है। और विद इन नो टाइम आपको मैं बॉटल दिखाऊंगी जो कि बड़ी मक्खी के शहद से फिल हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी आंखों के सामने बड़ी मक्खी का शहद हमने निकाला है और ये देखिए ये बॉटल में फिल हो चुका है। अच्छा, इसको वेट मशीन जो है ये प्रोडक्ट्स का वेट करने के जो काम आती है उसके ऊपर रखा है, ताकि इससे आइडिया हो जाए कि इसका वज़न कितना है और फिर उसके हिसाब से पेमेंट की जाएगी। चलें जी, अब चलते हैं हम छोटी मक्खी के शहद की तरफ। और ये देखिए इसका ये हाइव है और अब इसका प्रोसेस स्टार्ट होने लगा है। अच्छा, इसका जो है ना तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नाइफ़ के साथ देखें आपको नज़र आ रहा है, इसको कट कर रहे हैं। और ये क्या कट कर रहे हैं मैं आपको भी बताती हूँ, आप इसको गौर से देखिएगा। इसमें आपको ऑरेंज कलर के कुछ पार्टिकल्स नज़र आएंगे इसके हाइव में, इसके छत्ते में। तो वो क्या हैं? वो हैं शहद की मक्खियों के अंडे। और मैंने इस चीज़ को समझा कि उनको स्पेशली ये कट करके निकाल देते हैं, अदरवाइज़ अगर वो स्टिक हुए हुए हैं तो वो साइडों से शहद निकालेंगे बट उस एरिया को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि आई थिंक सो ये रिकमेंडेड नहीं होता खाना या इसका शहद निकालना। दैट्स वाई जो अंडों वाली स्पेस है शहद की मक्खी के, उसको हम नहीं बिल्कुल भी यूज़ करेंगे। तो जनाब, आप ये देख रहे हैं कि एक प्लेट मंगवा ली गई है और उसमें ये उन पोर्शंस को कट कर रहे हैं। आई थिंक सो जो अंडों वाला हिस्सा है उसे ये कट आउट करके वेस्ट कर देंगे। और जो ऊपर का सरफेस है ये देखें कितना ज़बरदस्त शहद इसमें से निकल रहा है, इसको वो यूज़ करेंगे और इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके इसका शहद निकाल लेंगे। आई होप सो, लग तो रियली लग रहा है, आगे अल्लाह जानते हैं बेहतर। आपके साथ ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कभी अगर शहद की मक्खियों का छत्ता आपके हाथ लग जाए तो आपको शहद निकालना आना चाहिए। वेल, आई वॉज जस्ट किडिंग, इट वॉज अ वेरी फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दिस प्रोसेस, दैट्स वाई मैंने कहा कि भाई ये शेयर करने वाली चीज़ है, कई लोगों को नहीं भी पता होता कि कैसे शहद निकाला जाता है। तो जनाब, ये देखिए बहुत अच्छे से इसकी सफाई की जा रही है और मैक्सिमम शहद जो है ना जितना वो निकाल सकते हैं वो निकाला जाएगा और फिर इसको बॉटल में प्लेस करेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। सो हियर वी गो, अल्हम्दुलिल्लाह, छोटी मक्खी का शहद भी अब बॉटल में जा रहा है। और ये देखिए मलमल का कपड़ा हमने बॉटल के ऊपर रखा है और उसमें से शहद जो है वो अच्छे तरीके से छान के बॉटल में जा रहा है। तो जनाब, उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू दोज हु हैव सब्सक्राइब्ड माई चैनल। और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारी नेक तमन्नाओं के साथ टेक लॉट्स ऑफ योर केयर। अल्लाह हाफिज़।